बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मुकद्दर ए फजा आलम ए इमकान सियासत से, मुकद्दर है फजा आलम ए इमकान सियासत से, बहुत बेआबरू है आजकल इंसान सियासत से। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हर एक भारतीय के लिए तिरंगा क्या अहमियत रखता है इसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जब राष्ट्रवाद का दम भरने वाले ही तिरंगे की इज्जत को पामाल करने लगे तब तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। आखिर कैसा है बीजेपी का राष्ट्रवाद? आखिर बीजेपी के राष्ट्रवाद में क्या तिरंगे के लिए कोई जगह नहीं है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि के नाम बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में जिस तरह से तिरंगे की असमत को तार किया गया, उसे देखकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी का राष्ट्रवाद क्या कहता है। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है, चाहे वो बादशाह हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, चाहे किसी मजहब को मानता हो या फिर कोई लादिनी। मरना हर शख्स का मुकद्दर है जिसे दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मौत पर भाजपाई गम में डूबे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता जब कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं तो वहां देश के तिरंगे का ही अपमान होने लगता है। ये काम ऐसे वक्त में किया जा रहा होता है जब खुद वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होते हैं और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होते हैं। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते वक्त उनके ताबूत पर तिरंगा रखा गया था, लेकिन बाद में तिरंगे के ऊपर ही बीजेपी का परचम रख दिया जाता है, जिसके बाद नेताओं की बेशर्मी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा नजर आने वाली तस्वीरों को इन नेताओं ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है, लेकिन मजाल है कि अपनी इस हरकत को ये लोग देशद्रोह बताएं। क्या बीजेपी के लिए राष्ट्रध्वज का कोई मायने नहीं? क्यों बीजेपी के लिए राष्ट्र से ज्यादा बीजेपी का झंडा सर्वोपरि है? क्या बीजेपी और उनके नेताओं के मन में अपने कौमी परचम के लिए कोई मोहब्बत नहीं है? दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो वहां उनके हाथ में बीजेपी का झंडा होता है। फिर सबके सामने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और नड्डा बकायदा बीजेपी के परचम को तिरंगे के ऊपर रख देते हैं। ये पूरी वारदात खुद प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी श्रद्धांजलि देते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इन तस्वीरों को जेपी नड्डा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है और कहा है कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विचारधारा के प्रति समर्पण और अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ठीक इसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ भी तिरंगे के ऊपर बीजेपी के झंडे वाला फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हैं और लिखते हैं कि राष्ट्र की स्मृतियों में आदरणीय कल्याण सिंह जी सदैव जीवित रहेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सारे बड़े नेताओं की मौजूदगी में तिरंगे का खुलेआम अपमान किया गया, लेकिन मजाल है कि कोई भी बीजेपी का नेता इस हरकत पर एतराज कर दे। आप तो जानते हैं कि बीजेपी में बड़े नेताओं की फैसले पर बोलना शिष्टाचार के खिलाफ माना जाता है। हालांकि बीजेपी जिस मात्र संगठन से ताल्लुक रखती है उसने भी अपने मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया था। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी और उनके नेताओं की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। अनुभव नरवल नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि कैसे लोगों के हाथ में देश पकड़ा दिया है। कोई तिरंगा उल्टा लगाता है, कोई तिरंगे से ऊंचा बीजेपी का झंडा फहराता है। यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर बीजेपी का झंडा बिछा दिए हैं। यह न केवल तिरंगे का
अपमान है बल्कि अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरी तरफ हितेंद्र नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, देश के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्र ध्वज के ऊपर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बीजेपी का झंडा लगाया गया। क्या इन फर्जी राष्ट्रवादियों की पार्टी को नहीं पता कि झंडा बड़ा है या देश का तिरंगा? श्री कल्याण सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। पूछता है भारत। वहीं श्याम मीणा सिंह लिखते हैं कि तिरंगे के ऊपर भाजपा का झंडा रखा गया है, क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं है? भाजपा के झंडे की इतनी औकात नहीं है कि हमारे देश के तिरंगे के ऊपर रखा जाए। वहीं अपने एक ट्वीट में श्याम मीणा सिंह लिखते हैं कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ना ही बराबर में रखा जाएगा। लेकिन सवाल है, जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं, एक राज्य का मुख्यमंत्री मौजूद है, देश और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, और सबकी मौजूदगी में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? कहीं ऐसे तो नहीं कि राष्ट्रवाद की एक नई इबारत लिखने की कोशिश हो रही है, जहां तिरंगे की जगह अब भाजपा का झंडा लगने वाला है? जरा सोचिएगा। और चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।